मैं यार क्या सोया हूँ पता है, अभी 8 बजने वाले यार। मतलब सुबह 6 बजे हल्की सी आँख खुली, उसके बाद दोबारा सो गया मैं, सीधे 8 बजे उठ रहा हूँ। इट्स टू मच लेट, 7 बजे तक निकल जाना चाहिए था मुझे। सबसे पहले तो ना मैंने चाय पीनी है मस्त वाली, उसके बाद नहाना है, उसके बाद कॉफ़ी पीनी है, क्योंकि पड़ा है अपने पास स्टॉक, वेस्ट क्यों करें भाई, पी लेते हैं। जितना मैं सोचा था तो उसे थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि मैंने कल का जो बचा हुआ खाना है ना फ्रिज में रख दिया था, सो उसको अभी खा लिया है ताकि ब्रेकफास्ट हो जाए और थोड़ा आगे तक हम कंटिन्यू ड्राइव कर सके। कॉफ़ी मस्त मिली है, पता है अपने हाथों की कॉफ़ी जो होती है ना उसकी टेस्ट ही कुछ और होती है, बाहर होटल में फीलिंग नहीं आती कॉफ़ी और चाय लेके। एकदम चुस्त हो चुके हैं, फटाफट निकलते हैं। बहुत लेट हो चुका है सच में, मैंने हद कर दी है इस बार तो, क्या ही बताओ अभी। ओए होए होए होए, इतना बड़ा लगेज ले जाना, मतलब सिर्फ इतना लगेज बांधने में पता है पसीना पसीना हो चुका हूँ मैं। ये वाले बैग को आज मैं पीठ पे लेने वाला हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों। और लगेज भी एक अलग स्टाइल से बांधा है, होप सो कि ये सताए नहीं हमें रास्ते में। और टैंक बैग जो था वो भी पीठ पे ले लिया, क्योंकि टैंक बैग का मेन पर्पज़ तो मैप के लिए था, अब मैप की तो कोई टेंशन है नहीं। कल पता है मैं ना इस वाले रास्ते से आया था जो कि पीछे वाला रास्ता है, आप यहाँ से भी आ सकते हो जो कि मेन रास्ता है। एक बात बताऊं, मेरे बट की हालत बहुत ख़राब है, सच्ची में बहुत ज़्यादा ख़राब है। इट स्टार्टेड पेनिंग राइट नाउ, अभी से दर्द शुरू हो चुका है अभी से। कौन है बे, कोई आवाज़ दे रहा है? ये बच्चे। हाँ बेटा क्या वीगर ब्लॉग्स? हाँ तो मैं कल यहाँ से जा रहा था शाम को, तो बच्चों ने मुझे देख लिया और शायद यहाँ पढ़ के इन्होंने सब्सक्राइब कर लिया, एंड दे सेड योर व्लॉग्स आर गुड, थैंक यू। अच्छे लगे आपको व्लॉग? बढ़िया, चलो दोस्तों के साथ शेयर करो फिर, ठीक है? कनिष्क और श्रेय, ओके चलो ठीक है, मिलते हैं, है ना। इस व्लॉग को आने बहुत टाइम लगेगा, बाद में देख लेना, ठीक है, चलो बाय। ऐसे वाले जो रोड है ना बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, देखो पूरी ग्रिप ख़त्म हो चुकी है इनकी, मतलब आसानी से स्कीड हो जाती है बाइक, ज़रा सा आप एक्सलेटर ज़्यादा दे दो स्पेशली सुपर बाइक में स्कीड हो जाएगी। चलो ट्रैक्शन कंट्रोल है तो ठीक है, अदरवाइज आपका गिरना तय है, या फिर आप एग्रेसिवली ब्रेकिंग करो, स्कीड होना ही होना है भाई। भाई ABS हो, ट्रैक्शन कंट्रोल हो, ऐसे रोड है ना कहीं धोखा दे ही देते रोड, पता है जितना खतरनाक दिखता है ना उससे ज़्यादा है बॉस। ये दो टायर्स के निशान देख लो, ये इतने स्लिपरी हो चुके हैं ना कि 100% भाई यहाँ पे गिरना ही टू व्हीलर वालों ने, ओवरटेक करने में भी डर लग रहा है। इट्स 152 जबलपुर व्यू, देखो यार क्या ही प्यारा व्यू है, ओए होए 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 होए। पता है इस टूर में ना सारे लोगों ने मेरे से ये पूछा कि आप बोर नहीं होते हो, अकेले क्या ड्राइव करना है इतना लंबा? नहीं होता भाई बोर, कतई बोर नहीं होता, इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है। एक तो रेड बुल इतनी मीठी मीठी बातें करती है ना, मेरे से सारे रास्ते में इतनी मीठी मीठी बातें करती है कि क्या ही बताओ, तो फिर क्यों बोर होंगे हम, है ना मेरी जान। अभी बातें करिए, बोले आई लव यू, लव इट टू, मेरा हीरो। मेरे को हल्की हल्की टेंशन भी हो रही है, एक तो जाने के बाद इतना सारा वर्कलोड रहेगा, हॉस्पिटल सारे पेशेंट से एक साथ आएंगे, जिम का काम इतना सारा पेंडिंग पड़ा हुआ है वो सब आएगा, और दूसरी बात भाई एडिटिंग सबसे इम्पोर्टेंट थिंग। बहुत सारे लोग पूछे कि व्लॉग कब स्टार्ट होंगे यार, बस एक बार मुझे घर जाने दो, क्योंकि मुझे लगता है सिनेमैटिक शॉट्स, और सिनेमैटिक शॉट्स को ना कूल माइंड से एडिटिंग करनी पड़ती है, और मैंने इस बार ऐसे राइडिंग करी है ना कि पूछो मत, मतलब रात को 10-10, 11-11 बजे तक राइड करके सुबह 7-8 बजे उठ जाया करता था, तो कहाँ से एडिटिंग होती भाई, पॉसिबल ही नहीं है एडिटिंग करना। चलो ठीक है कट एंड पेस्ट इट्स ओके, लाइक आधे एक घंटे में हो जाएगा, लेकिन मुझे कट एंड पेस्ट पसंद नहीं है, मुझे चाहिए एकदम परफेक्ट बीट टू बीट और सीन मैचिंग, तो जाके गाना ब्लॉग देखने में मज़ा आता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, होल्ड करो, और मेरी उम्मीद थी कि 10-15 ब्लॉग हो जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 20-25 ब्लॉग जा सकते, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखो।
भाई साहब हम पहुंच चुके हैं कटनी। कटनी का ट्रैफिक कर रहा है हमारी चटनी। भाई यार इस सिटी को बाईपास क्यों नहीं निकाला यार। बज रहे अभी 12 और हल्की हल्की सी भूख लगना स्टार्ट हो चुकी है। सो ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। यूजुअली क्या होता है ना, मेरी एक बहुत गंदी आदत है, जब तक एक्सट्रीम लेवल तक मैं नहीं पहुँचता हूँ किसी भी चीज़ की ना, तब तक मैं वो काम करता नहीं हूँ। मतलब भूख के मामले में, नींद के मामले में, थकावट के मामले में, जब लगे कि यार अब किस्सा ख़त्म हो गया, अब नहीं सहा जाता। जैसे अगर मान लो कि मुझे 11 बजे भूख लगने लगी है, तो पता है मैं 2:30-3 बजे तक वेट करूँगा, जिस वक्त लगे ना अब ख़त्म हो गया भाई स्टेमिना, अब नहीं सहा जाता, फिर उस वक्त खा लूँगा। थकावट का भी ऐसा ही है। बाकी वर्क के मामले में ऐसा नहीं है यार, वर्क तो अपने को बस दे दो दे दो दे दो। आई एम वर्कहोलिक टोटली भाई। इतना नशा है मुझे काम का कि पूछो मत। बस आप ज़िंदगी भर मुझे काम दे दो, स्पेशली व्लॉगिंग के बारे में। भाई तुम है ना मेरे अकाउंट में पैसा डाल दो, बिल्कुल पैसा डाल दो, और कोई कपड़े धुलवाने के लिए एक बंदा रख दो, बस बाकी सब मैं कर लूँगा। बहुत घूमूंगा, बहुत व्लॉग करूँगा, बस ये दो चीज़ें हमको चाहिए। बातों के चक्कर में पता चला हम कहीं और चल लिए। फिलहाल तो सीधे चल रहे एकदम परफेक्ट, और ये स्पीड ब्रेकर इतने बड़े बड़े दे रखे हैं ना कि डर लगता है, पता नहीं कब नीचे से चुम्मा ले ले हमारी गाड़ी रोड का। और यहाँ पे कोई दिख भी नहीं रहा है पुलिस, तो हम ज़्यादा ट्रैफिक है भी नहीं, हमारे करतब से उनको तकलीफ हो तो हम करने वाले वी वी वी। अब थम जा। भगवान साला किस्मत ही खराब होती यार, कोई ना कोई आ ही जाता है। मैंने 20 से 25 मंगा रखे थे अमेजोन से, ऑलमोस्ट ख़त्म होते आ गए। हर जगह जहाँ जहाँ हमें बाइक रोक के, ऐसे बॉर्डर चेक करता रहा, तो सब देखने वाले सोचते ड्रंक एंड ड्राइव कौन समझा भाई, हम ड्रंक एंड ड्राइव नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए कभी नहीं। पूरे सफ़र में 10 से 15 दिन पनीर दाल तड़का थाली खा के हम थक चुके थे। सो आई ऑर्डर समथिंग डिफरेंट, आलू मटर एंड गर्मी के कारण मेरे को खाना गया ही नहीं। हाफ सब्जी मंगाई थी मैंने, हाफ में से हाफ भी नहीं गई। और भाई उसमें से फिर मैं थोड़ी बहुत खा गया, क्योंकि मुझे खाना वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं। और तो और पता है यहाँ ठंडी चीज़ कोई भी नहीं है सिवाय स्प्राइट के, जो कि मुझे पीना नहीं था। भाई बिल्कुल गाड़ी है ना सीधी काटनी है, वरना कल की तरह धप से नीचे गिर जाएगी। ₹420 किलोमीटर कुछ पड़ रहा है यहाँ से हमारे मामा जी का घर। मैं सोचा हूँ नागपुर नहीं रुको यार, नागपुर से आगे उतमाल चले जाते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट कोशिश करते हैं। एवरीथिंग इज़ ओके तो हम सीधा चले जाएंगे यवतमाल, क्योंकि आराम से सो पाऊँगा नानी के घर, और दूसरे दिन थोड़ा लेट भी उठ जाऊँ ना तब भी चलेगा। ऐसे होते हैं यार लोग सच्ची में, बिना इंडिकेटर देके बीच में घुसा दिया, अगर हाई स्पीड में कोई ठोक दे दो कैसे नहीं समझ में आती यार। केरल से आ रहा है बंदा ये। केरला फ्रॉम वेयर? आगरा। नाइस, सी यू सून। भाई हमको थोड़ा सा घूम के जाना पड़ेगा, लेकिन हम जाएंगे मिडवे ट्रिप तो जाएंगे, क्योंकि वो ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे रेड बुल मिल सकती है या फिर कॉफी। इतना तगड़ा मिल रहा है ना, इतना तगड़ा मिल रहा है कि पूछो मत। हार्डली हार्ड 120 या 130 इज इनफ। 130 पे भी
थोड़ा बबल कर रही है गाड़ी। इतनी धूप है ना, इतनी धूप है ना कि पूछो मत यार। पता है मैं बिना हेलमेट पहन के ना, बिना हेलमेट पहने बाहर आने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैंने तो अंदर ही हेलमेट पहन लिया, नहीं आऊँ यार। बाय द वे दिस इज़ मिडवे ट्रीट। ये पता है पूरे एमपी में आपको मिलते हैं, पूरे हाईवे पे मिलेंगे। आई थिंक ये गवर्नमेंट का होता है। CBR 650 कैमरा। व्हाट द फक गर्मी ने बेहाल कर दिया पता है। और ये वाला पैर देखो मेरा कितना लाल हो चुका है भाई, इतने चटके लग रहे हैं यहाँ पे, पूरा गर्म हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है घर जाने के बाद है ना यहाँ पे बॉईल हो जाएगा। देख रहे हो कितना लाल हो चुका है, पूरी इंजन की जो हीट है ना यहाँ लग रही है। मुझे इसको कवर करके रखना पड़ेगा। मेरे को चाहिए रेड बुल कॉफ़ी, कैफीन। पेंच के जंगल में पहुँच चुके हैं हम, पूछते हैं यहाँ पे कैफीन नहीं रेड बुल है क्या। मैं अभी पेंच के जंगल में रुका हूँ, बहुत से लोग आते हैं टाइगर सफारी, जंगल सफारी करने के लिए। और मुझे लगा कि बस इतना ही है, इट इज़ अ प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्चुअली, मुझे लगा कि बस इतना ही है। लेकिन नीचे भी है भाई, नीचे भी है बहुत सारे रूम्स है। हम गोवा में रुके थे ऐसे वाले रूम में भाई, रात में ना तो इतना 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 खतरनाक सीन हो जाता है। मतलब मेरे जैसे कमज़ोर दिल वाले ना भाई, मेरे से नीचा आ जाता है अंधेरा। हाँ अपने लिए बनाई नहीं है, कत्ते ही बनानी है। जो साइड में लगे हुए ग्रीन कलर की पट्टियाँ कहते हैं कि वो साउंड प्रूफ है, इसके पार साउंड जाता नहीं है। तो पहले ही होता था कि जब छोटा रास्ता था तो ऐसी कोई फेंसिंग वगैरह थी नहीं, तो जैसे व्हीकल के जो दूर से आवाज़ आती तो जंगली जानवर रास्ते पे आ जाते। अब नहीं आते बोले इसके कारण। और हाँ ये वाली जो फेंसिंग है साउंड प्रूफ है, ये मैंने नहीं बोला भाई, वो जो रिट्रीट वाला था ना उसने बोला। फिर आप नीचे कोट कर लोगे सर ऐसा कुछ नहीं होता भाई, मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि साउंड प्रूफ क्या होगा, मतलब ऊपर से तो साउंड जानी है, बट ही से जेड के इतना नहीं जाता। आप मुझे नहीं पता भाई इसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसने बोला मैंने आपको बताया। अगर आपको कुछ नॉलेज है तो कमेंट करके बता दो। मज़ा आ गया भाई इस टूर में, बहुत गजब मज़ा आ गया। पता है आपको अप्रॉक्स हम लोगों ने 7 से 9 स्टेट को क्रॉस किया है। सबसे पहले महाराष्ट्र गए, एमपी, एमपी से गए यूपी, फिर दोबारा एमपी में गए, और बीच में राजस्थान का भी कुछ एरिया लगा, बहुत छोटा लगा बट लगा। उसके बाद फिर हरियाणा से दिल्ली से दोबारा हरियाणा से पंजाब से जम्मू। ओए होए 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 बहुत घूमे यार। और जम्मू से हिमाचल प्रदेश, ये तो भूल ही गए, हिमाचल प्रदेश भी गए। आप काउंट कर लो कितने स्टेट हुए। भाई साहब जस्ट 8.7 किलोमीटर अवे मामा जी के घर से। तो अब व्लॉग को भी ना यहीं पे ख़त्म करते यार, क्योंकि मेरी हालत हो चुकी है बहुत ज़्यादा ख़राब भाई। कहाँ से ले जा रही है गूगल माता इतने अंधेरे में, मेरे को लगा रास्ता है भी कि नहीं। एनीवे सो आई वाज सेइंग कि व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते, बहुत हालत ख़राब हो चुकी है बहुत ज़्यादा। ऑलमोस्ट हमने आज 700 प्लस किलोमीटर किया है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है। पता है एक बात तो समझ में आ गई कि मुझे बट सपोर्ट के लिए करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट टूर में विदाउट सीट को मॉडिफाई किए करने ही नहीं वाला हूँ। एंड उसके बाद अगर कंफर्टेबल है तो ठीक है, हम करेंगे 500-600 किलोमीटर। अदरवाइज भाई 400-500 किलोमीटर इज़ ओके फॉर वन डे, इसके बाद है ना हालत बहुत ख़राब हो जाती है। चलो होप यू लाइक द ब्लॉग, कल पहुंचेंगे हम हमारे आशियाने पे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल, होप यू लाइक द ब्लॉग, सी यू सून, जिंदगी बड़ी मस्त है।